मुझे तो हैरत है कि चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उनको ये पता ही नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आना भी होगा तो किस तरह आएगा। क्या किसी स्टेट को ये इख्तियार दिया जा सकता है? पहले तो वो इसको चेक कर लें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 15 लाख का प्रधानमंत्री जी ने कहा था आने वापस आने वाला है और सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा, ब्लैक मनी आ जाएगी, ये सब उनके चेलों ने उनसे सीखा है। जिस तरह की गलत बयानी वो करते हैं इलेक्शन में, इसी तरह उनके चेले करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करते हुए यूपी सरकार से कहा है कि जो रिकवरी के नोटिस दिए गए एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को, उनको वापस ले ले, नहीं तो वो खुद इसको उन नोटिसेस को क्वैश करेगी। तो एक कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, कैसे देखें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीगलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाया है और ये कहा है ये इलीगल है। आपने ADM के ज़रिए से एक अदालत कायम कर दी अपने आप, जिसका आपको इख्तियार ही नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़ होकर के ऐसा किया। और दूसरी बात यह है कि तो दुनिया जानती है कि CAA के खिलाफ जो लोग मुजाहरा कर रहे थे उनको पेनलाइज किया गया इसके अंदर, उनसे एक तरह से बदला लेने की जो राजनीति और मिजाज है हमारे योगी जी का, ये उसका खमियाजा है। तो योगी जी की एक और बात पे आपसे जब से जो है होगा, उत्तराखंड की एक रैली के अंदर टिहरी में उन्होंने ये कहा कि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। वहाँ तो उस समय एक नई होड़ लगी है कि हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो, जिनको स्वयं यही नहीं मालूम कि वो हिंदू हैं या नहीं, वो हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। देखिए, योगी जी जो हैं वो ये नहीं बताते कि उन्होंने अपने राज में किया क्या है, महंगाई पर क्या किया, औरतों के ऊपर बड़ा लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े केसेस हो गए और आज भी वहाँ पर कोई कह नहीं सकते कि आप बड़े सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दरहकीकत मोदी जी की तरह से योगी जी उनके कदमों पर चलते हुए सर्टिफिकेट इशू करने के आदि हो चुके हैं। मैं समझता हूँ एक काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है योगी जी ने, और इसको मानना चाहिए कि वो इतनी आसानी से सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को, जैसे उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है सर्टिफिकेट देने की, किसी को देशद्रोही का सर्टिफिकेट, किसी को देश दुश्मन होने का सर्टिफिकेट, किसी को एंटी नेशनल होने का सर्टिफिकेट, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देने के लिए ऐसा लगता है बैठे हुए हैं, उतावले रहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि आपने किया क्या है, आवाम के लिए क्या किया वो ज़रा बता दीजिए। एक इंस्टीट्यूशन कोई बड़ा खुला हो तो बता दें। वो सरकार जो बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को बेचने का काम कर रही है, वो बगैर किसी दावे के हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीज़ों को मुद्दा बना करके हर इलेक्शन के अंदर अपना हरबा सुनाई, लेकिन इस बार इनका नहीं, हर बार नाकाम होगा। सर, प्रियंका गांधी जो महासचिव, उन्होंने उन्नाव के अंदर एक लड़की जिसके साथ जो मिसिंग थी और उसका बाद में शरीर मिला, उसकी डेड बॉडी मिली, रिकवर की गई, उसके परिवार से बातचीत करी, उसकी माँ से बातचीत करी फ़ोन पे, और पूरा आश्वासन जताया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और जल्द ही आकर वो उनसे मुलाकात भी करेंगी और उनके उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगी। देखिए प्रियंका जी, लगातार जो महिलाओं का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर हो रहा है उस पर आवाज़ उठाती रही हैं, वहाँ जाकर के लोगों से मिलती रही हैं, उसकी आवाज़ स्कूलों ने बाहर पूरे देश तक पहुँचाने का काम किया है और उसके खिलाफ़ हमेशा कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहा है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ही शर्मनाक है और जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए जो भी इसके अंदर एक्यूज हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, पंजाब 10-14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है कैंपेन का, लेकिन जो चुनाव के अंदर जो किसान संगठन है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है इस दौरे का बॉयकॉट करेंगे, उस दौरे का विरोध करेंगे। देखिए, किसी को भी दौरे का विरोध करना या बॉयकॉट करने का हक है, लेकिन जिस तरह से पिछली बार पंजाब में प्रधानमंत्री के जब जा रहे थे एक सभा को करने के लिए, जिस तरह से वहाँ पर लोग आ गए, बताया गया जिस तरह से, तो उससे लगता है कि उस तरह की सिचुएशन बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहिए। किसानों से हम यही बात कहेंगे कि आपका हर चीज़ जो भी हो वो कानून के दायरे में हो, बिल्कुल पुरमन तरीके से हो,
और आपको जो भी करना है जाहिर है उसका इख्तियार है आपको। बातमी मागची बातमी म्हणजे